दोस्तों आज के वीडियो पे हम एक प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं रेगुलेटर को लेके, जो बहुत कभी कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता रहता है, जो आप जिस कंपनी का बोर्ड लगाते उस कंपनी का रेगुलेटर नहीं मिल पाता है। तो उस जगह पे आप किसी भी कंपनी का रेगुलेटर हम आप किसी भी मॉडलर बोर्ड पे हम फिट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को स्किप करने से आप समझ नहीं पाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और किस तरह से हम किसी भी कंपनी का रेगुलेटर को हम कोई भी मॉडलर बोर्ड में लगा सकते हैं। जैसे हैवेल्स का बोर्ड हो तो हम उसमें एंकर का लगा सकते हैं, इसी तरह से कोई भी कंपनी का हो, GM हो या किसी भी कंपनी का हो, तो हम उस पर लगा सकते हैं। और इसमें एक बात आपको और भी बोल दे, देखिए आप अगर सिंपल PVC बोर्ड के लिए रेगुलेटर लेने जाए तो उसका कॉस्ट जो है कुछ कम पड़ता है, बट अगर आप मॉडलर बोर्ड के लिए रेगुलेटर लेने जाए तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलेटर को लगाए तो आपका जो मॉडलर बोर्ड के जगह में आप PVC बोर्ड का रेगुलेटर लगाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, वो मॉडलर बोर्ड पे भी फिट हो जाएगा। यानी PVC बोर्ड का रेगुलेटर हम मॉडलर बोर्ड पे भी फिट कर सकते हैं कम कॉस्ट में। तो इस जगह पे जो ये बोर्ड हम खोल रहे हैं आप देख रहे हैं, इसका जो रेगुलेटर है फ़ैन का वो ख़राब हो चुका है। तो जो बोर्ड जो ये रियो का बोर्ड है, बट हम रियो का रेगुलेटर हमें नहीं मिला मार्केट में, तो इस जगह पर हमने एक नया सा ट्रिक अपनाया है। इस ट्रिक के जरिए हम रेगुलेटर को दूसरे कंपनी का रेगुलेटर इस पर फिट करेंगे और इसमें हम PVC बोर्ड पे जो अजंता का PVC बोर्ड आ रहा है और भी जो कंपनी का PVC बोर्ड आ रहा है उस पर जो रेगुलेटर हम लगाते हैं वो रेगुलेटर को हम मॉडलर बोर्ड पे लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हमें रेगुलेटर को खोल लेना है, ख़राब रेगुलेटर को। और देखिए क्या कर रहे हैं हम, पहला जो इसका ऊपर का कैप को खोल के इस पर एक लॉक है उसे उतार देना है प्लायर के जरिए। तो ये हमने लॉक को उतार दिया, इसका पीछे का जो कवर भी उसे भी खोल लें। उसके बाद हम ये लॉक को उतार दे रहे हैं, यानी पूरा जो हम सिस्टम को अलग कर दिए, जितना असेंबल था वो हम सबको खोल के अलग अलग कर दिए। इसके बाद ये देखिए इस पर जो रेगुलेटर का जो हमारा ये डब्बा है, ये खाप मॉडलर बोर्ड पे इसी खाप के जरिए ये सेट होगा। तो हमने जो हमारा तो यहाँ पर रेगुलेटर का डब्बा ख़राब नहीं हुआ, ये जो भीतर का मशीन है वो ख़राब हुआ है। तो ये देखिए हमने न्यू रेगुलेटर को लिया और इसका भी मशीन जो है हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये सिंगल स्विच रेगुलेटर है तो इसलिए हमें सिंगल स्विच का ही दूसरा रेगुलेटर लेना, अगर डबल स्विच रहता तो डबल स्विच लेते। तो ये न्यू रेगुलेटर का हम ये जो स्पीड कंट्रोलर है उसको हम निकाल लेते हैं खोल के। तो पहले इसका भी हम सेम वही लॉक को खोल देंगे, लॉक को उतारने के बाद ये भीतर में जो ये स्पीड कंट्रोलर है इसे हम निकाल लेंगे। और आप ये हम पुराने रेगुलेटर के देखिए कैप में खाप में जो हम ये स्पीड कंट्रोलर को फिट कर देंगे। तो इस जगह पर आप किसी भी कंपनी का रेगुलेटर हो, किसी भी मॉडल का हो, इस पर आप इसका सिर्फ आप भीतर का जो स्पीड कंट्रोलर है खोल के सेट कर दीजिए। तो इस जगह पे हमारा दो फायदा हो रहा है, एक तो हम मॉडलर के जगह में हम PVC बोर्ड का जो रेगुलेटर वो आन के इस पर लगा दें, एक ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप PVC बोर्ड का जो रेगुलेटर है उसका मशीन भी इस पर लगा सकते हैं, आप इसका स्पीड कंट्रोल इस पर लगा सकते हैं, जिसका रेट जो हमें काफ़ी कम पड़ेगा। आप मॉडलर लेने जाइएगा उसका रेट ज़्यादा पड़ेगा, तो सेम इसके अनुसार से आप लगा सकते हैं। और देखिए कभी कभी जो बोले आपको पहले हम वीडियो पे, जो आपको जिस कंपनी का बोर्ड होता है वो कंपनी का रेगुलेटर अगर ना मिले, मतलब जिस कंपनी का बोर्ड है उसी कंपनी का स्विच और रेगुलेटर जो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट होता है, और कुछ कुछ कंपनियों का जो रेगुलेटर स्विच है जो दूसरे कंपनी के बोर्ड पर फिट नहीं होता है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आए, जो कंपनी का आपका बोर्ड है उस कंपनी का आपका रेगुलेटर नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आप ये तरीका को अपना सकते हैं। इस सिचुएशन में आप कोई भी रेगुलेटर का स्पीड कंट्रोलर को चेंज करके पुराने रेगुलेटर के डब्बे पे लगा के फिट कर सकते हैं। तो हमने जो नया रेगुलेटर का स्पीड कंट्रोलर था, अब देखिए ये पुराने रेगुलेटर के डब्बे में हम भर दे रहे हैं। इसे धीमे से ही करें वरना ये बहुत ही नाजुक चीज़ें टूट सकता है, इसलिए धीरे धीरे इसे अब हम फिट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो स्पीड कंट्रोलर है भीतर चला गया, इसके ऊपर अब हमें वो लॉक को लगाना और उसके कैप को लगाना है। ये कैप है, इस कैप के जरिए हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कमा सकते हैं, इसे अब हम फिट कर देते हैं। तो ये हमारा रेगुलेटर जो है तैयार हो चुका है। ये पुराने रेगुलेटर जो नए रेगुलेटर का खाप डब्बा को हम निकाल देते हैं, इसी का मशीन को हमने ये लेफ्ट साइड वाले रेगुलेटर पे हमने डाला है। ये देखिए नीचे जो पड़ा हुआ स्पीड कंट्रोलर है वो ख़राब है, ख़राब वाले रेगुलेटर, पुराने रेगुलेटर का स्पीड कंट्रोल था ये,
इसे हमने चेंज कर दिया, रिफ्लेस कर दिया है न्यू रेगुलेटर के साथ। अब हम फिर से वो मॉडलर बोर्ड पे हम इसे बढ़िया से अच्छी तरीके से हम फिट कर सकते हैं। तो फिट करने के लिए अब पहले हम रेगुलेटर को जो है धीरे हाथों से भीतर की ओर धकेलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको दो फायदा होने वाला है। एक तो पहले आपको हमने ये ट्रिक बताया रेगुलेटर चेंज करने का, किस तरीके से हम रेगुलेटर से दूसरे रेगुलेटर में हम रिफ्लेस करेंगे। और इसके साथ और एक जो फ़ायदा ये आपका, जो भाई लोग जो रेगुलेटर कनेक्शन नहीं जानता है, तो यहाँ पे हम रेगुलेटर कनेक्शन करना भी सिखाएंगे। तो पहले देखिए रेगुलेटर को हमने बोर्ड पे डाल दिया है, अब इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। कनेक्शन करने से पहले बता दे रहा है आपको, जो यहाँ पे जो है टू वे स्विच है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं टू वे स्विच है, यानी इस जगह पे सिंगल वे स्विच होता तो आप बहुत आसानी से सीख जाते, बट यहाँ टू वे स्विच है। इसका भी कनेक्शन सेम ही बट ज़रा सा अलग है। तो टू वे स्विच का जो आप मिडिल पे हम रेगुलेटर का एक पॉइंट को डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलेटर से जो है दो वायर आया हुआ है। तो टू वे स्विच पे कनेक्शन किया है, जो रेगुलेटर का एक वायर को हम टू वे स्विच पे जो मिडिल में जो पॉइंट है, मिडिल पे जो तार डालने का जगह, उस पे हम एक तार को डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक वायर को हमने स्विच के मिडिल पे डाला हुआ है, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से आपको फिट कर देना है, या इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, जो वायर फिर खुल ना जाए। तो इस जगह पे हमने रेगुलेटर के एक वायर को कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद रेगुलेटर से जो दूसरे वायर निकला हुआ है, उसे हमें फैन से जो वायर आया हुआ है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये रेगुलेटर का दूसरा वायर है, इस वायर को अब हम फैन वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने फैन वाले वायर पे ब्लैक टिप मार के रखा हुआ था, जो हमें पता चल जाएगा कौन सा फ़ैन का वायर है। तो इस वायर को अब हम छील लेते हैं, अच्छी तरीके से इंसुलेशन को हटा लेते हैं, उसके बाद रेगुलेटर के दूसरे वायर को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ब्लैक, इसके बाद जो अब हम इसमें ब्लैक टेप मार देंगे। तो ब्लैक टेप को जो आपको अच्छी तरीके से मारना है, वरना लीकेज होने से ये इस जगह पे जो शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, मतलब ब्लैक टेप को अच्छी तरीके से मार दें। ये हमारा रेगुलेटर जो अब अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अब हम फैन को चला के देखेंगे, जो फैन जो है अब काम कर रहा है क्या नहीं, स्पीड कम हो रहा है या स्पीड बढ़ रहा है क्या नहीं, रेगुलेटर सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे स्विच ऑन करके रेगुलेटर को ऑन कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया, अब रेगुलेटर भी जो है काम करना चालू कर दिया है। तो यह हम स्पीड कमा रहे और बढ़ा रहे, ये चेक करेंगे अब कम करके और ज़्यादा करके। तो अभी अब फुल स्पीड पे, अब इसका स्पीड हम कमा के देखेंगे जो ये स्पीड कम रहा है या नहीं। तो ये देखिए आप, फैन का स्पीड जो है काफ़ी कम चुका है, ये रेगुलेटर जो है काम करने चालू हो चुका है, ये रेगुलेटर अब सही से काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी या वीडियो से आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आपके मन का भड़ास हमारे कमेंट बॉक्स में निकाल के चले जाए, हम अगले बार से अच्छे से और वीडियो लाएंगे। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, हम आपके उस तरह का वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे।